हेलो एवरीवन, आई एम अनुप्रीत, वेलकम यू ऑल टू WS Cube Tech YouTube चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूं कोडिंग जॉब मार्केट इन 2024। आप सभी लोगों के इन ढेर सारे कमेंट को देखते हुए मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना आपके सामने रियलिटी लाई जाए कि 2024 में ये जॉब मार्केट, कोडिंग जॉब मार्केट कैसा होने जा रहा है या अभी एट प्रेजेंट कैसा है, और क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए एज अ फ्रेशर एंड एज अ एक्सपीरियंस टू स्टैंड आउट योरसेल्फ यूनिक इन दिस पर्टिकुलर क्राउड। तो सबसे पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैं ओपन कर लेता हूँ इंडीड। इंडीड पे जाके एक बार सर्च कर दें कि हमको कितनी जॉब्स अवेलेबल है अभी मार्केट के अंदर। जैसे मैं सर्च करता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, सॉफ्टवेयर डेवलपर ले लो मोस्ट प्रोबेबली। एंड अभी मैं कोई सिटी सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं फाइंड जॉब कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है 66,000 प्लस जॉब्स। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ मैं इसको। सॉफ्टवेयर डेवलपर फ्रेशर कर देते, फाइंड जॉब 700 प्लस जॉब्स एज अ फ्रेशर ऑल्सो, दैट इज अ गुड नंबर। हम नीश रिलेटेड बात कर रहे हैं। देखो, कुछ कंपनीज होती है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर को हायर करती है, बट जो स्टार्टअप्स होती है, कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो सिलेक्टेड नीश को टारगेट करती है, जैसे कि ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियर, ठीक है। तो उन सबको भी सर्च कर लेते हैं, जैसे कि वेब डेवलपर। और मैं फ्रेशर को भी यहाँ पे टारगेट करूंगा। तो वेब डेवलपर की 22,000 प्लस जॉब्स हैं इंडीड के ऊपर अवेलेबल। एंड वहीं अगर मैं फ्रेशर की बात करूं, नंबर्स कम होंगे फ्रेशर के अंदर, बट ये भी एक अच्छा नंबर है, 800 प्लस जॉब्स अवेलेबल है अभी मार्केट में। और यहीं अगर मैं बात करूं, वेब डेवलपर हो गया, ऐप डेवलपर, तो 2000 प्लस जॉब्स अवेलेबल है। अब देखो, वेब डेवलपर ऐप डेवलपर से भी बेटर होता है कि आप इसमें भी सिलेक्टेड नीच को टारगेट करो। जैसे कि ऐप डेवलपर में 2000 प्लस है, लेकिन अगर मैं वहीं सर्च करता हूं फ्लटर डेवलपर, तो यहां पे आपको मिल रही है 1000 प्लस जॉब्स इन एग्जैक्टली फ्लटर डोमेन, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं फ्लटर डेवलपर फ्रेशर, तो यहां 100 प्लस जॉब्स मिल रही है क्लटर्ड नीच के अंदर भी। वहीं अगर मैं इंटर्नशिप की बात करूं, इंटर्न, तो यहां पे आपको 75 प्लस जॉब्स मिल रही है। अब बात करते हैं एंड्रॉइड की, एंड्रॉइड डेवलपर 4000 प्लस जॉब्स अवेलेबल है एंड्रॉइड डेवलपर की। वहीं एंड्रॉइड डेवलपर फ्रेशर को अगर हम सर्च करें, ये मैं सब जगह करने वाला हूं, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लेने वाला हूं, ठीक है, 200 प्लस जॉब्स। फिर अगर हम यहां पे, ये तो एंड्रॉइड और वेब हो गई, वेब में भी हमारे पास में फ्रंट एंड डेवलपर होता है, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। तो फ्रंट एंड डेवलपर है 12,000 प्लस जॉब्स। वहीं अगर मैं यहाँ सर्च करूँ फ्रेशर, तो इट इज 400 प्लस जॉब्स। एंड बैक एंड डेवलपर 33,000 प्लस जॉब्स एज अ बैक एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर फ्रेशर, तो यहाँ पे आपको 100 प्लस जॉब्स मिल रही है, ठीक है। एंड वहीं अगर मैं बात करूँ डेटा से रिलेटेड अगर जॉब्स अगर हम देखें, तो डेटा एनालिस्ट 6,000 प्लस जॉब, डेटा साइंटिस्ट ले लेते हैं, तो 3,000 प्लस जॉब्स इन डेटा साइंस, साइंटिस्ट एंड फ्रेशर ले लेते हैं। अभी AI ML पे भी जा सकते हैं अपन, 75 प्लस जॉब्स एज अ फ्रेशर मिल रही है आपको। देन यहीं पे हम सर्च करते हैं डेटा साइंस फ्रेशर, यहाँ पे भी आपको 300 प्लस जॉब्स देखने को मिल रही है। और ये तो सिर्फ इंडीड का डेटा है, ठीक है। थोड़ा और ब्रीफली इसको हम रिसर्च करते हैं, लेट्स से हम चलते हैं लिंक्डइन के ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। यहाँ पे आपको 99,000 प्लस रिजल्ट्स मिल रहे हैं सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। वहीं अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर फ्रेशर सर्च करूं, तो वी हैव अ रिजल्ट ऑफ एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी लगभग ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे आपको एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। फिर यहीं मैं बात करूँ अगर टारगेटेड नीश की तरफ अगर हम चलते हैं, तो वेब डेवलपर, तो वेब डेवलपर में नियर अबाउट 2400, ठीक है। वेब डेवलपर फ्रेशर करके देख लेते हैं, तो इट कम्स अराउंड 1300, कह सकते हो आप 1400, ठीक है। एंड यहीं पे फ्रंट एंड बैक एंड भी मिल जाता, तो फ्रंट एंड डेवलपर
तो फ्रंट एंड डेवलपर की जो जॉब्स हैं ये इंडिया का है, आप यहाँ पे ऑल ओवर द ग्लोब भी कर सकते हो, ठीक है। अभी हम ऑल ओवर इंडिया ही देख रहे हैं, ठीक है, पूरे इंडिया के अंदर हमको कितने जॉब्स अवेलेबल है इन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जहाँ जाके मैं सर्च कर सकता हूँ और आइडिया ले सकता हूँ कि कितनी जॉब्स अभी मार्केट में है और किस किस फील्ड में है, किस तरह की है, ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलपर है 2300 कह सकते हैं या 2400 कह सकते हैं। वहीं अगर मैं बैक एंड डेवलपर की बात करूँ तो बैक एंड डेवलपर 1700 है, एंड अगर हम बात करें ऐप डेवलपर की, तो यहाँ सर्च करते हैं ऐप डेवलपर को, तो ऐप डेवलपर में ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है दैट इज 1800, ठीक है। अगर मैं फ्लटर की ही बात करूँ तो फ्लटर डेवलपर कितने हैं, तो फ्लटर डेवलपर की जो रीच आई है वो बहुत ही बढ़िया आई है, क्योंकि ऐप डेवलपर में मेरे को 1800 ही रिजल्ट्स मिल रहे थे, लेकिन एज अ फ्लटर डेवलपर इन इंडिया दिस रेंजेस इन एंड अराउंड आपका 99,000 रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं नहीं मानता कि सबके सब में जॉब मिल रही होगी आपको, लेकिन ऑन एन एवरेज ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मेजरली आपको अच्छी जॉब्स मिल जाएगी, तो अगर इतना अच्छा नंबर है तो आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर्स को हम 100% एक्यूरेट नहीं मान सकते, बट इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर 80-90% एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ एंड्रॉयड डेवलपर की, मतलब मैं सबकी हर एक नीच को ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड्रॉयड डेवलपर में हमको रिजल्ट मिल रहे हैं नियर अबाउट 2400, यानी कि 2400, ठीक है। अगर मैं फ्रेशर की बात करूँ तो फ्रेशर में हमको इन एंड अराउंड 1400 के आसपास रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और ये हमने फ्लटर में नहीं देखा फ्रेशर्स की जॉब कितनी अवेलेबल है, फ्लटर डेवलपर फ्रेशर, तो फ्लटर में हमारे पास में 1300-1400 के आसपास जॉब्स हैं एज अ फ्रेशर। वहीं हम डेटा साइंस इंजीनियर की बात कर लेते हैं, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, तो डेटा साइंटिस्ट की जो जॉब्स हैं वो नियर अबाउट 2800, ऑलमोस्ट कह सकते हो आप 3000 के आसपास। एंड डेटा एनालिस्ट अगर हम देखें, डेटा एनालिस्ट में आपको मिल जाएगा लगभग 2300 के आसपास मिल रहा है आपको डेटा, मतलब रिजल्ट्स जो मिल रहे हैं। एंड इनमें भी अगर अपन फ्रेशर ले ले तो फ्रेशर का अकाउंट कितना मिल जाता है मुझे, नियर अबाउट 700 रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एंड वहीं अगर डेटा साइंटिस्ट की बात करूं मैं, तो डेटा साइंटिस्ट फ्रेशर की जो क्वेरीज आई है वो 2100 रिजल्ट्स हमारे पास में आ गए हैं इन डेटा साइंटिस्ट फ्रेशर के अंदर। ये लिंक्डइन का रिजल्ट हो गया। चलो अब एक और वेब पोर्टल देख लेते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है इंडिया के अंदर, विच इज़ naukri.com। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर की यहाँ पे हमारे पास में रीच आ रही है नियर अबाउट 84,000, ठीक है। वहीं अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर फ्रेशर में हमारे पास में रिजल्ट आया 99,932। नाउ कमिंग टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो इसमें भी नियर अराउंड हमारे पास में 87,000 के आसपास डेटा आ रहा है, 88 कह सकते हैं हम, 88,000। एंड अगर मैं फ्रेशर की बात करूँ इसी के अंदर, फ्रेशर्स में हमारे पास में सॉफ्टवेयर इंजीनियर में 34,000 के अराउंड रिजल्ट मिल रहे हैं @naukri.com। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे वेब डेवलपर की, तो वेब डेवलपर में हमारे पास में ऑप्शंस आ रहे हैं 3,700, ठीक है। और वेब डेवलपर फ्रेशर को अगर हम सर्च करें तो इट इज कमिंग नियर अबाउट 49,855। एंड वहीं अगर हम फ्रंट एंड डेवलपर की बात करें, फ्रंट एंड डेवलपर की जो जॉब्स हैं वो यहाँ पे मिल रही है 34,925, यानी ऑलमोस्ट 35,000 कह सकते हो आप। अच्छा तो इसमें फ्रेशर की देख लेते हैं, फ्रेशर की कितनी जॉब्स अवेलेबल है, नियर अबाउट 8,563, मतलब ऑलमोस्ट 8,600 जॉब्स हैं यहाँ पे। चलो अब बैक एंड डेवलपर देख लेते हैं, तो बैक एंड डेवलपर में हमको मिल रहा है 34,275। एंड वहीं बैक एंड डेवलपर, ये तो फ्रेशर है, अगर हम केवल बैकएंड डेवलपर को सर्च करें तो 41,090 के पास मिल रहा है, ऑलमोस्ट मान लो 41,000 आपको जॉब्स अवेलेबल है एज अ बैकएंड डेवलपर। एंड वहीं अगर मैं ऐप डेवलपर की बात करूं यहाँ पे, ऐप डेवलपर की जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिल रही है 24,000, नियर अबाउट 24,000। एंड वहीं अगर मैं बात करूं ऐप डेवलपर फ्रेशर, तो 46,840 जॉब्स आर अवेलेबल @naukri.com। एंड अगर मैं यहाँ पे फ्लटर को इंट्रोड्यूस करूं, व्हाट इफ वी हैव फ्लटर डेवलपर, फ्रेशर को हटा देते हैं अपन एक बार के लिए,
तो फ्लटर डेवलपर में हमारे पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज है 6635, नियर अबाउट 6,000 to 7,000 के आसपास मान सकते हो। वहीं अगर फ्रेशर की बात करूं मैं फ्लटर के अंदर, तो ये नियर अबाउट 600 अपॉर्चुनिटीज है या 550 जॉब्स अपॉर्चुनिटीज है ऑन naukri.com एज अ फ्लटर डेवलपर फ्रेशर। एंड वहीं अगर मैं एंड्रॉयड की बात करूं, एंड्रॉयड डेवलपर, तो एंड्रॉयड डेवलपर में हमारे पास में 19,200 जॉब्स अवेलेबल है। हम इसमें एक चीज़ तो चेक ही नहीं कर रहे हैं, iOS डेवलपर भी तो है हमारे पास में। चलो पहले फ्रेशर देख लेते हैं। फ्रेशर एज एंड्रॉयड फ्रेशर डेवलपर हमारे पास में 74,883 अपॉर्चुनिटीज है। एंड अगर मैं वहीं iOS डेवलपर को देखूं, तो iOS डेवलपर की अपॉर्चुनिटीज आ रही है वो आ रही है 18,000 के आसपास। ठीक है, वहीं आप सब जगह ट्राई कर सकते हो अलग अलग वेबसाइट पे। ये कुछ कॉमन पॉपुलर वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको जॉब हायरिंग एक्यूरेट डेटा के साथ मिल जाती है। तो फ्रेशर का भी देख लेते हैं। पर तो फ्रेशर में हमारे पास में नियर अबाउट 6,320 जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है एज अ iOS डेवलपर। रिएक्ट नेटिव भी देख लेते हैं अपन। रिएक्ट नेटिव की फ्रेशर जॉब्स इसमें एटलीस्ट 17 ही आ रही है, ये सबसे कम नंबर मुझे देखने को मिला है। बट अगर मैं रिएक्ट नेटिव डेवलपर पहले सर्च करता हूँ फिर फ्रेशर सर्च करता हूँ, तो रिएक्ट नेटिव डेवलपर की जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो भी 2400 मिल रही है, नियर अबाउट 2500 के आसपास मिल रही है। एंड अगर भाई हम फ्रेशर की बात करें तो फ्रेशर की अपॉर्चुनिटीज हमारे पास नियर अबाउट 565 क्लोज टू 600 अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे भी मिल रही है। और ऐसे बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स में मिल जाएंगे, जैसे ग्लासडोर हो गया और भी मैनी मोर, बट ये तीन प्रीमियम जगह हैं जहाँ पे हम जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज के लिए देखते हैं। और इन सारे प्लेटफॉर्म्स में हमने देखा कि कोडिंग फील्ड के अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और मिलने वाली भी, और आने वाले टाइम में और बढ़ने ही वाली है। तो अब आपको क्या करना है कि यार जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है बट मैं अपने आप को प्रिपेयर कैसे करूँ कोडिंग जॉब मार्केट के लिए। तो कोडिंग जॉब मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, देखो आप मार्केट ट्रेंड को देख सकते हो कि मार्केट में कौन कौन सी अभी ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं जो बूम कर रहे हैं, आप उनको चूज कर सकते हो। बट मेरा एक पर्सनल मेरा अगर ओपिनियन मानो एज अ ब्रदर, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि गो फॉर पैशन, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। बट एक बार अगर आपको आपके इंटरेस्ट की जॉब मिल गई तो फिर देयर इज नो लुकिंग बैकवर्ड। या फिर अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि यार मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो मार्केट में जो टेक्नोलॉजीज बूम कर रही है उनको लर्न करो, ग्रैब करो, कंज्यूम करो, इंप्लीमेंट करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ एंड देन मार्केट में अपने आप को प्लेस करो। फिर इस फील्ड में आपको कोई रोक नहीं सकता अपने ड्रीम पैकेज को ऑन करने में, अपने करियर को बूस्ट करने में, अपनी ग्रोथ एक्सेलरेट करने में। अब यहाँ पे माइंड में आता है कि व्हाट कुड आई डू टू स्टैंड आउट बेटर देन दी अदर्स, क्योंकि मार्केट में ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि आपको बाकी लोगों से हटके रहना पड़ेगा। ठीक है, जो सारी चीज़ें सारे लोग कर रहे हैं अगर आप भी सेम उसी तरीके से करोगे तो आप उसी का हिस्सा बन के रह जाओगे। तो मैं ऐसा अलग क्या करूँ जो बाकी लोग कर रहे हैं और मुझे नहीं करना चाहिए इस चीज़ों के साथ साथ। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, एक है फ्रेशर और एक है एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे जो इंसान अपने आप को देख रहा है वो एक फ्रेशर भी देख रहा है कि मैं अपने आप को अलग कैसे करूँ बाकी क्राउड से, और यहाँ पे एक एक्सपीरियंस बंदा भी देख रहा है कि आने वाले टाइम में मैं अलग क्या कर सकता हूँ बाकी एक्सपीरियंस डेवलपर से। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी फ्रेशर्स। तो जो सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और वो ड्रीम कर रहे हैं कि यार मेरा कॉलेज खत्म होने के बाद में मुझे ये करना है वो करना है, तो उसमें वो अलग क्या कर सकते हैं जिससे कि वो चार साल के बाद में अपनी कॉलेज खत्म होने के बाद में एक अच्छा कंपनी मैं जा सके, एक अच्छा स्किल सेट बिल्ड कर सके, अपना करियर सेट कर सके, अपने ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सके। तो फ्रेशर्स या मैं कहूँ बिगनर्स को किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ तो आप अच्छे से समझ लो, एट द स्टार्ट ऑफ द करियर लर्निंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। दैट मीन्स स्टार्ट इवन टूडे, अगर आज आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो डोंट लुक आउट फॉर मनी कि यार मुझे यहाँ पैकेज अच्छा नहीं मिल रहा, मेरा एक्सपेक्टेड इतना है। नहीं, एज अ फ्रेशर आप वो एक्सपेक्टेशंस मत रखो, एक्सपेक्टेशंस रखो इन द ग्रोथ सेक्टर। जितना अर्ली इन द स्टेज आप ग्रोथ लर्निंग पे फोकस करोगे उतना आगे वाले स्टेजेस में आपको फायदा मिलेगा। तो स्टार्ट टूडे इवन इट्स फ्री, गो फॉर इंटर्नशिप्स। एंड इंटर्नशिप्स में भी मेन मोटिव आपका क्या होना चाहिए कि मुझे लर्न करना है, मुझे स्किल सेट को बिल्ड करना है, मुझे ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है, ना कि मुझे स्टाइफंड कितना मिल रहा है। इवन अगर आपको इंटर्नशिप फ्री में भी मिल रही है तो गो फॉर इट। स्टार्ट राइटिंग बेटर कोड, जैसे अभी अपन ने प्रीवियस पॉइंटर में देखा था कि स्टार्ट लर्निंग टूडे, आपने
एज अ फ्रेशर कोई भी नीच को पकड़ा और स्टार्ट कर दिया अपने स्किल सेट को बिल्ड करना। जब भी आप कोई चीज सीख रहे हो, स्किल को बिल्ड कर रहे हो, तो प्रैक्टिकल चीजों को साथ साथ लेके चलना है। और प्रैक्टिकल से मेरा मतलब ये है कि आप साथ साथ में प्रोजेक्ट्स को बिल्डअप करो। भले आप छोटे से छोटी चीज को सीख रहे हो, उसके साथ उसका कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बनाओ। और प्रोजेक्ट लिखते वक्त इम्फेसिस करो बेटर कोड लिखने में, प्रोसेस पे ज्यादा फोकस रखो, फॉलोइंग बेटर प्रोसेस, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट बनाओ लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करो। और इन चीजों को फॉलो करने के लिए आप मार्केट में जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्टडी कर सकते हो, उनको स्टॉक कर सकते हो, देख सकते हो कि उन्होंने किस तरीके से कोड लिखा है प्रोफेशनली, उसको ग्रैप्स कर सकते हो, अपने नए प्रोजेक्ट में उस चीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हो और वहां से लर्न कर सकते हो। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गेटिंग इन टू द स्किन्स ऑफ VCS। जितना जल्दी हो सके VCS से यूज टू हो जाओ, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। VCS मतलब वर्जन कंट्रोल सिस्टम, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एज अ फ्रेशर, क्योंकि पहले मार्केट अलग था, अब मार्केट चेंज हो रहा है। अब मार्केट में एज अ फ्रेशर ये एक्सपेक्टेशंस रहती है कंपनी की, आपको ये बेसिक फंडामेंटल्स तो आने ही चाहिए अदर देन द स्किल्स। तो VCS रिपोजिटरीज कैसे बनानी, ब्रांचेस कैसे क्रिएट करनी है, मर्जिंग कैसे होगी, PR कैसे क्रिएट करना है, ये पुल बैक कैसे करना है, ये सारी चीजों का आइडिया आपको इनिशियल लेवल पे होना चाहिए। जैसे आप जितने भी प्रोजेक्ट्स बिल्ड करोगे लर्न करते वक्त, उन सब का रिपोजिटरी आपके पास में आपके ऑनलाइन GitHub प्लेटफॉर्म पे या Bitbucket प्लेटफॉर्म पे होगा। इससे आपको अपने रिज्यूमे को और एक्सप्रेसिव बनाने में भी हेल्प मिलेगी और पोर्टफोलियो को भी आप बूस्ट कर सकते हो इन रिपोजिटरी की हेल्प से। देन नेक्स्ट क्या कर सकते हो, यूजिंग AI टूल्स टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। यस, मार्केट में ये जरूर चीज चल रही होगी कि यार AI रिप्लेस कर देगा। देखो एज सच जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मुझे लगता है, हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग इन कमिंग नेक्स्ट ईयर्स, बट अभी तक जितना मुझे लग रहा है AI आपको हेल्प करेगा हमेशा, और उन्हीं को हेल्प करेगा जो इसको अडेप्ट करेगा। तो AI को अपना फ्रेंड बनाओ, AI को अपना गो टू टूल बनाओ, जिसकी हेल्प से आप जो काम मैनुअली इतने टाइम में कर रहे थे वो AI टूल की हेल्प से आप उसको कम समय में कर सको। देन नेक्स्ट, आपको LinkedIn प्रोफाइल को मेंटेन करना चाहिए। अब आप कहोगे यार इससे क्या ही फर्क पड़ता है एज अ फ्रेशर। देखो एज अ फ्रेशर आपको ग्लोबल रीच चाहिए होगी, एज अ फ्रेशर आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा चाहिए होगी। अब LinkedIn प्रोफाइल को मेंटेन कैसे कर रहा है कि आप जो भी चीज सीख रहे हो, जैसे आप जैसे लेट से फॉर एग्जांपल आपने फ्लटर सीखा, तो फ्लटर में जो चीजें सीख रहे हो आप उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, उनके पोस्ट बनाओ अच्छे से ChatGPT को यूज करते हुए, एक अच्छा सा टाइटल लगाओ, एक अच्छे से पॉइंटर्स लगाओ, और जो चीज आप बना रहे हो उसका वीडियो बनाओ या उसका रिपोजिटरी पे जो कोड है वो ऑनलाइन पब्लिश कर दो। तो वहां पे आप अपने जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी आप स्किल को लर्न कर रहे हो उसके बारे में शोकेस करो। इवन आप जैसे नॉर्मल बेसिस पे पोस्ट करते हो सोशल मीडिया के ऊपर, तो वैसे LinkedIn को अपना सोशल मीडिया बना लो। इस टाइम पे आप दिन का कुछ 15 से 20 मिनट यूजफुल टाइम निकालो और डेली का या वीकली कुछ टारगेट सेट करो कि मुझे इतने पोस्ट करने हैं, और वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए जिससे कि आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, जिससे कि आपसे रिलेटेड, आपकी नीच के रिलेटेड जितने भी लोग होंगे वो आपसे कनेक्टेड होंगे। उससे क्या होगा, मार्केट में और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी जो यहाँ पे प्लेस नहीं है, तो उससे उनके बारे में भी आप जान पाओगे, या दूसरे कंपनी में आप अपने आप को कनेक्ट करवा पाओगे। जैसे कई बार किसी कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है बट वो कोई प्लेटफॉर्म पे पब्लिश नहीं करते, रेदर वो अपने एम्प्लॉयज को बोलते हैं कि ब्रिंग इन योर कनेक्शंस, तो वहां पे वो कनेक्शंस आपको हेल्प कर सकते हैं, इसी से आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। अब आ जाते हैं एक्सपीरियंस बंदे को क्या करना है। देखो फ्रेशर को तो जो करना है वो एक्सपीरियंस को तो करना ही है, वो उसने फ्रेशर वाले पार्ट में किया होगा, नहीं किया है तो एक्सपीरियंस अगर आपका है, आप किसी कंपनी में हो, 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो रखा है, तब भी आपको इन चीजों को तो फॉलो करना ही करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा आपको एक कंप्लीट ऐप या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना चाहिए। जैसे आप वेब डेवलपर हो, ऐप डेवलपर हो, कोई भी नीच सेलेक्ट करो, अगर आप किसी कंपनी में भी हो इट डजंट मैटर, आप अपना खुद का प्रोडक्ट बनाओ, एक अच्छा प्रोडक्ट जिससे कि आप आने वाले टाइम में एंटरप्रेन्योर फील्ड में जा सको या पैसे इनकम को जनरेट कर सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लेना। इसमें स्पेसिफिकली आप डेटा के अराउंड चीजों को बिल्ड करो, AI को यूज करो जिसमें आपकी टेक्नोलॉजी और AI का यूज आ जाए, जिससे कि आने वाले मार्केट में आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर पाओ। देन हमेशा ध्यान रखो जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो मेकर्स माइंडसेट लेके चलो, ऐसे समझो कि ये कंपनी मेरी है, तो अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो इससे क्या फायदा होगा, अगर ऐसा काम करूंगा तो इससे क्या नुकसान होगा। अगर आप ये चीज सोचते हो तो ये आपको हेल्प करेगा लेऑफ से बचाने में। कंपनी हमेशा उन लोगों पे ज्यादा फोकस करती है जो कंपनी को एज अ कंपनी नहीं एज अ ओन कंपनी देखते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो कंपनी को एज अ 10-7 या 10-5 जॉब देखते हैं कि भाई काम जब शुरू किया, काम जब खत्म किया, तो जब लेऑफ होते हैं तो सबसे पहले वो लोग साइड आउट हो जाते हैं। तो कंपनी में वैल्यू क्रिएट करना सीखो। देन नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो और अगर आपने कंट्रीब्यूशन नहीं किया है तो आज से ही कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर। बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स आपको गिटहब पे मिल जाएंगे, कोशिश करो कि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सको, अपने कंट्रीब्यूट्स को
वैलिडेट करवा सको, जैसे कि आपका प्रोफाइल बूस्ट होगा। एक और चीज यहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हो कि जैसे मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया कि एक प्रोडक्ट बनाने की सोचो, वैसे आप कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए भी ना पैकेजेस या लाइब्रेरीज बनाने की सोच सकते हो, जैसे बाकी जितने भी अनएक्सपीरियंस लोग या बाकी आपकी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उनके लिए आप कुछ ना कुछ हेल्पफुल चीज लेके आए हो। इसी में एक और चीज आती है कि आप स्टैक ओवरफ्लो पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, वहां पे आप अपनी कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हो। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं बट जरूर इंपैक्ट क्रिएट करेंगे एज अ एक्सपीरियंस डेवलपर इन एनी फील्ड। देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंटर के ऊपर कि यार सब कुछ ठीक है, आपने जो चीज बताई कि यार आपने मार्केट में जितनी भी जॉब्स थी उनका आइडिया दे दिया, फिर आपने बोला कि अपने पैशन को फॉलो करो या जो मार्केट में बूम कर रहा है उसको फॉलो करो, फिर अगर आप फ्रेशर हो तो आपको क्या करना चाहिए, एक्सपीरियंस हो तो आपको क्या चीजें करनी चाहिए। बट यार मार्केट में ना अभी तो लेऑफ्स चल रहे हैं, अभी AI आ गया है, तो एक डर का माहौल बना हुआ है और आपने भी नोटिस किया होगा। देखो समझने वाली बात यह है, पहले आपको समझना होगा लेऑफ्स हुए हैं क्यों, या जो मास हायरिंग होती है अभी जो लेऑफ्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, और कभी फायरिंग होगी तो वो क्यों होती है और कौन फायर होते हैं। तो अगर आपने ये चीजें समझ ली तो फिर आप उन चीजों से बच जाओगे। बट जो लेऑफ का मेन रीजन है वो ये है कि उस समय मास हायरिंग हुई, उस समय अच्छे पैकेजेस मिले, अनडिजर्विंग पैकेजेस मिले, मतलब जिस बंदे को अगर नॉर्मल बेसिस पे 12 लाख के पैकेज पे हायर किया जाता अगर नॉर्मल बेसिस में, बट उसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा थी उसको 24 लाख के पैकेज पे भी हायर किया गया। कई लोगों को आपने देखा होगा कि इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर, इस कोविड पीरियड के अंदर कई लोगों को अपने लिमिट के अबव पैकेजेस मिले, विच इज़ फैक्ट। तो अब क्या हो रहा है ना कि वो जो वैल्यू क्रिएट करी उन लोगों ने उस टाइम के बाद में, भाई मिले अच्छी बात है, उन्होंने वो वैल्यू क्रिएट करी और मेंटेन रखी, वो अभी भी कंपनी में काम कर रहे हैं। अब जाके देखो कंपनी अभी भी डे इन डे आउट काम कर रही है, बट कुछ ऐसे लोग थे जो उतना इंपैक्ट अभी भी क्रिएट नहीं कर पा रहे जितने की उनकी वैल्यू क्रिएट करी गई थी इन लॉकडाउन पीरियड, मतलब उनके होने ना होने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे जो लोग हैं वो ले ऑफ हो रहे हैं मेजरली। अब कोई ऐसी अगर आप स्टडी करोगे तो आपको जो ज्यादातर रिपोर्ट्स मिलेगी वो इन सारे डेवलपर्स की मिलेगी। मेजरली आपको फोकस इनिशियल लेवल पे क्या करना है कि आप लर्निंग पे ज्यादा फोकस करो, ग्रोथ पे फोकस करो रेदर देन मनी। एक बार अगर आपने अच्छी ग्रोथ पकड़ ली, अच्छा आपका एक्सपीरियंस क्रिएट हो गया, उसके बाद में देयर इज नो लुकिंग बैकवर्ड। ये जो पैकेज है वो आपका डे बाय डे ग्रो होता रहेगा। फिर बात करते हैं AI की, भाई ये जब हो रहा है तो साथ साथ AI भी आ गया, तो AI ने इम्पैक्ट जरूर डाला है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि AI ने इम्पैक्ट नहीं डाला, बट जो AI जब आता है, कोई भी AI का मॉड्यूल आता है, जैसे ChatGPT आया, उसके बाद Copilot आया, उसके बाद में Devin आया, तो जितना हाइप क्रिएट होता है ना उतना मार्केट नहीं हुआ है या उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं हुआ होता जितना हाइप होता है। अब जो काम कर रहे होते हैं ना एम्प्लॉय, वो एक बार न्यूज़ को पढ़ते हैं और अपना काम करते रहते हैं और वो अपने जॉब में चल रहे होते हैं और अच्छा अर्निंग कर रहे होते हैं और प्रमोशंस ले रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो वेट कर रहे होते हैं, जो ये देख रहे होते हैं अरे यार ये हो गया अब मेरी जॉब का क्या होगा, ये हो गया अब मैं कैसे जॉब करूंगा, ये हो गया मैं कैसे करूंगा, वो वेटिंग गेम ही खेलते रह जाते हैं। तो उन पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको सच में इंटरेस्ट है और मार्केट में बूम हो रहा है तो आज से ही शुरू करो लर्न करना, आज से शुरू करो उनको इंप्लीमेंट करना, आज से शुरू करो प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना और इन पे ज्यादा फोकस करो, बिल्डिंग पे फोकस करो, करियर पे फोकस करो, ग्रोथ पे फोकस करो रेदर देन इन गेमिक्स पे फोकस करना, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट ये जरूर है कि जो उसको अडेप्ट नहीं करेगा वो जरूर रिप्लेस हो जाएगा। और एंट्री लेवल में जैसे कि हम देखते हैं कि आज हमको पहले ना फ्रेशर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी, इंटर्न्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी, एंट्री लेवल पे काम जो बहुत ज़्यादा होता है उसको कंप्लीट करवाने के लिए, और फ्रेशर को क्या जरूरत होती है कि मुझे इंडस्ट्री लेवल एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो वो जो पार्ट है वो थोड़ा सा डाउन जरूर चला जाएगा। जैसे लेट से पहले 20 से 25 फ्रेशर्स डेवलपर की जरूरत थी तो अब वो कम से कम 5 से 10 डेवलपर्स पे आ जाएंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा काम उनका फ्रेशर वाला पार्ट जो है वो AI कर देगा, बट जो एक्सपीरियंस वाले पार्ट है उसमें आपका एडेप्टिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वहां पे इम्पैक्ट करेगा। एक्सपीरियंस तो 10 बंदे ही चाहिएंगे अभी भी मुझे, बट वो 10 बंदे कौन होंगे जो बेटर फ्रेशर्स को और AI टूल्स को अडेप्ट कर सके और उनके बिहाफ पे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। इसी वजह से जो मेरा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंटर है, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, डीमोटिवेट नहीं होना है, लेऑफ्स हो रहे हैं, AI आ गया है, मैं फ्रेशर हूँ, मैं कहाँ जाऊँ कैसे जाऊँ। मार्केट में अभी भी बहुत सारे कैपेबल लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है, आपको ढूंढना होगा और अपना काम करते रहना होगा, वेट नहीं करना है। और इसमें सबसे पहला पॉइंट ही मेरा है, देयर इज नो राइट टाइम। जब आप शुरू करते हो, व्हेन यू स्टार्ट दैट इज द राइट टाइम, एंड दैट राइट टाइम इज टुडे राइट नाउ। फोकस ऑन बिल्डिंग योर स्किल सेट, जिस काम में करने में मजा आता है उस स्किल को सीखो, ग्रैप्स करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, मार्केट में लॉन्च करो। आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में मेजर जो आपका पार्ट रहता है टर्म्स और एग्जाम्स के बाद में, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो, उस टाइम में
करियर से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी को देखो, उसको सीखो, उसकी लैंग्वेज को सीखो, प्रोग्रामिंग बिल्ड करो एंड प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करो. इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग बिल्डिंग एंड बिल्डिंग. एंड यहाँ बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि आपको प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए. जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाओगे, भले आपने छोटे से छोटे फीचर के लिए ही ऐप बनाया हो जिसमें एक फीचर ही काम करो, जैसे टू डू ऐप है, जैसे वाटर ड्रिंकिंग ऐप है, आप कोई सा छोटा छोटा ऐप से स्टार्ट कर सकते हो. फिर बड़े लेवल की एप्लीकेशंस को बिल्डअप करो. जितने ज्यादा मार्केट में आप प्रोजेक्ट्स पे वर्क करोगे, जितने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आपका स्किल सेट बढ़ेगा, उतना आपका रिज्यूमे बूस्ट होगा. इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट देन टू थिंक कि हम कब स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें. जब लगे तब से स्टार्ट कर दो. एंड लास्ट में सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, नो एक्सक्यूजेस, नो ब्रेक्स, ओनली हसल 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 एंड हसल टिल यू रीच द नंबर्स यू हैव थॉट फॉर. जो एक्सपेक्टेड पैकेज सोचा है ना आपने कि इस नंबर को अचीव करना है, तब तक हसलिंग को छोड़ना नहीं, करते रहो. बहुत सारी चीजें आएंगी मार्केट में आपको डीमोटिवेट करने के लिए, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, आपको डीरेल करने के लिए, बट आपको फोकस अपना मेंटेन रखना है, चीजों के बारे में आइडिया लेना है. बट अगर कोई चीज मार्केट में आ रही है और वो आपके लिए यूजफुल है तो उसको साथ साथ अडेप्ट करते रहो, कंज्यूम करते रहो और उसके अराउंड ही चीजों को बिल्ड करते रहो. एंड इसी तरीके से आप एक अच्छे डेवलपर या अच्छे कोडिंग डेवलपर बन पाओगे. आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कोडिंग जॉब मार्केट इन 2024. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू गिव अस अ लाइक. या कोई भी टैक रिलेटेड डाउट के लिए यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाओ सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को. इट मोटिवेट अस कि हम आपके लिए और बेटर से बेटर ऐसा ही कंटेंट लाते रहे. एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड क्लोज सर्कल. टिल देन स्टे ट्यून्ड.